गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ज्ञानिस बायोलॉजी क्लास और स्काइप एमटी में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह ही, प्रत्येक दिन की तरह ही टीजीटी और पीजीटी की क्लास शाम को 9:30 बजे होती है, वो हो रही है। प्रतिदिन की तरह जैसा मैं बताता हूँ कि हम सब टीजीटी पीजीटी में लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स और ह्यूमन या एनिमल फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद सेल स्ट्रक्चर्स और उसके कंपोनेंट्स वाले चैप्टर को पढ़ा चुके हैं बेटा। इस समय हम जो टॉपिक कंप्लीट कराने चल रहे हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म है। बच्चों, हम ये मान करके चल रहे हैं, मैं मान कर चल रहा हूँ, जो टीजीटी का पेपर मैंने देखा हुआ उससे लगभग हमें 45% क्वेश्चन का सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया। पहला क्वेश्चन होता है, पहली बात होती है कि हम चीज़ों को पढ़ें, दूसरा टॉपिक होता है, दूसरी चीज़ होती है हम उसको कैसे इवेल्यूएट करें कि मैंने जो पढ़ा है वो सच है या नहीं। इवेल्यूएशन के लिए मुझे टेस्ट पर जाना होता है, मुझे टेस्ट देना होता है। सो दैट बेटा, आप सबकी टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज भी लगातार चल रही, चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसमें आते हैं। हमने लास्ट टाइम पे कहा था कि मैं 15 दिन तक हो सकता है आपका कंटिन्यूअस रिवीजन कराऊं, या फिर मैंने कहा था हम हर दूसरे दिन रिवीजन कराएं। तो भी इस पर बहुत एक कायदे की राय बन नहीं पा रही, क्यों? प्रतिदिन कराने से बेटा सिलेबस जो चल रहा है वो भी सफ़र करता है कहीं ना कहीं। इसलिए हम ये सोच रहे हैं और मैं ये विचार कर रहा हूँ कि हम कंटिन्यूअस रिवीजन पर ही विश्वास करेंगे, भले ही वो कंटिन्यूअस 6 दिन का ही सिलेब क्यों ना रखें हम। ठीक है, जिसे एक यूनिट कंप्लीट कर लें, भले 15 दिन का ना रखें, क्योंकि अगर प्रतिदिन रिवीजन कराएंगे तो माइंड डाइवर्ट होता है और फिर उसमें आप कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे, ये मुझे मालूम है। हालांकि क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं तो आप रेगुलर आते भी हो, आप कंसंट्रेट हो भी जाते हो, लेकिन मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि सारे बच्चे नहीं रहते, 50% प्रेजेंस रहती है और 50% बच्चे अपना अलग समय पर वीडियो को वॉच करते हैं और पढ़ते हैं। इस लिहाज से मैं 15 दिन का नहीं लेकिन 7 दिन का पूरा स्लैब दूंगा, एक यूनिट को कंप्लीट करने का, रिवाइज करने का। ठीक है, ये मैंने सोच रखा है, तो उस पर काम जारी है, उसको मैं करूंगा। बच्चों, मैंने कहा ना 45% का सिलेबस मैं पढ़ा चुका हूँ। टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं ज्वाइन करने में आपको जो परेशानी आ रही है उस पर आप बात कर सकते हो, ऑफिस नंबर पे बात कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, किसी दिन प्रॉब्लम। चलिए बेटा, सेल्स को जो मैंने पढ़ाया था कल, मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इसमें, ठीक है, और अब हम सब डिस्कस करते हैं। और कुछ चीज़ें बेटा हैं जो बहुत बेसिक होने के लिए मैं आपको बताता हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद जो आज मैं काम करने चल रहा हूँ उसको आप देखिए और समझने की कोशिश करो बेटा। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ बेटा। पहले मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट में केमिकल्स एलिमेंट की कंपोजिशन का परसेंटेज क्या है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन 46.6% है। दूसरी चीज़ है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कौन से परसेंटेज पाया जाता है, कितना परसेंटेज कैसे होता है। तो वाटर 70 से 90% होता है, प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, और आयंस जो होते हैं किसी भी सेल में टोटल वॉल्यूम्स का मास का बेटा कितना होता है, 1%। ये आप याद करना जरूरी है। कैसे सेल को एनालाइज करेंगे इसके विषय में बताया था, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे, ऐश रॉक के विषय में डिस्कस किया था बेटा, मेटाबोलाइट्स। चलो एक क्वेश्चन आज और एराइज हो जाता है, बताता हूँ व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। चलो बच्चों, आप बताने की कोशिश करिए मेटाबोलाइट्स किसे कहते हैं। चलिए सब लोग बेटा, एवरी वन एंड ऑल ऑफ यू, जो भी लोग हैं बेटा वो बता सकते हैं क्या कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट का मतलब क्या होता है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, किन्हें कहते हैं मेटाबोलाइट्स बेटा? बच्चों प्लीज, ओके बताइए बेटा, मेटाबोलाइट्स किन्हें कहते हैं?
जो भी आपको आ रहा है, जितना भी आ रहा है कि मेटाबोलाइट्स इनको कहा जाता है। बताइए बेटा। किन्हें कहते हैं बेटा मेटाबोलाइट्स? एनी ऑफ यू बेटा? बोलो बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन बेटा। सेल में बनने और बिगड़ने वाले सारे मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट भाग लेते हैं, जो प्रोडक्ट दे अलग मेटाबोलाइट्स, वो चेंज होते हैं, रिसाइकिल में चलते हैं, साइकिल सेल होते हैं। अब वो मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटा। बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वे होते हैं जिनकी सेल को निरंतर जरूरत पड़ती है एक प्रकार के मॉलिक्यूल से दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल में बदलने के लिए। दे आर यूजफुल फॉर द सेल एंड देयर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लेकिन बेटा ऐसे मेटाबोलाइट्स, ऐसे केमिकल जो सेल में बन जाते हैं लेकिन सेल में उनका फर्दर यूज नहीं रह जाता है केमिकल रिएक्शन में, वो बेटा कहलाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये हमारे सेकेंडरी पिगमेंट्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, टेरापेनॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, ड्रग हैं, ये सारे बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम सब ने कहा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था बेटा, कार्बोहाइड्रेट के काइंड्स बताए थे बेटा हम सब ने, एल्डोस, सुगर, ग्लूकोज, ये सब बताया था बेटा। ओलिगोसैक्राइड्स का डिस्कशन किया था हम सब ने बेटा, पॉलीसैक्राइड्स हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों, सेल्युलोज बताया था, काइटिन के विषय में बता दिया था बेटा लास्ट टर्म पर, पेप्टिडोग्लाइकन भी परहैप्स बता दिया था शायद मैंने, और अब बात आती है स्टार्च की। चलिए बेटा बहुत सुंदर सा क्वेश्चन शुरू करते हो, बहुत आराम से शुरू करते हो। आओ आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, स्टार्च वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज की चैन होती है, सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लूकोज की चैन होती है, केवल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होने के कारण से होमोपॉलीमर कहते हैं बेटा। इनमें जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बेटा। स्टार्च दो तरह के होते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। ब्रांच चेन को एमालोपेक्टिन कहते हैं, अनब्रांच चेन को एमाइलोज कहते हैं। डिफरेंस है, वाटर इनसॉल्युबल एमालोपेक्टिन होता है, वाटर सॉल्युबल जो होता है स्टार्च वो बेटा एमाइलोज होता है। ये एमाइलोज कुल सेल का बेटा केवल 15-20% है, ये बेटा 80-85% है। इनमें जो बॉन्डिंग है वो 1C कार्बन 1 और कार्बन 4, उसे नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रांच है, ये अनब्रांच्ड है। स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ये 100% याद करना बेटा, स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। स्टार्च प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करने ही करने मेरे बच्चे, बिल्कुल भी भूलना मत। चलो आइए नेक्स्ट, ग्लाइकोजन, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये भी होमोपॉलीमर होगा, ये ब्रांच्ड होता जैसा दिखाई दे रहा है, करेक्ट बेटा। इसका ये हमारे हाथ में राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट। राइट हैंड बेटा रिड्यूसिंग साइट होती है, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग, राइट रिड्यूसिंग, राइट रिड्यूसिंग, राइट रिड्यूसिंग। दो ग्लूकोज के बीच बेटा अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, जब दो ब्रांचिंग करते हैं, ये या ये या ये, जहां ब्रांचिंग होती है वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। पूछा जा सकता है लेकिन कहां पर बेटा? पीजीटी में। अब बेटा ब्रांचिंग, यहां पर ब्रांचिंग है, इन दो ब्रांचिंग के बीच 10-14 यूनिट हो सकते हैं, 10-14
बस इतना ही है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का बेटा कहोगे रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स में है, बैक्टीरिया में है, फंजाई। बेटा चैनल को लाइक कर लिया करो, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लग रही क्लास बेटा? रितु आज बड़े दिनों बाद आ पाए हो, तजाउद्दीन, मंतसा, अवधेश, वरुण, विवेक, धर्मेंद्र, सभी लोग बेटा सबका स्वागत है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा लर्न करना है, कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े मेरे बच्चों, एनी प्रॉब्लम तो नहीं? कोई दिक्कत हो बता देना, लर्न करना है। आओ, इन्यूलिन बेटा, इन्यूलिन भी वाटर में इंसॉल्युबल होती है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है ये। क्यों? अगर फ्रक्टोज होता है तो बेटा होमोपॉलीमर है, डहलिया की रूट में पाया जाता है, डहलिया की रूट में प्रेजेंट होता है बेटा। हेमी सेल्यूलोज भी वाटर में सॉल्युबल है, पॉलीमर सारा एल्विनोज और जेलोज है, हेट्रोपॉलीमर हो जाएंगे। अगर अगर रेडिलगी से प्राप्त होता है, अगर रेडिलगी का नाम बताना चाहते हैं बेटा तो क्या कह सकते हैं बेटा रेडिलगी का? अगर अगर बेटा कहाँ यूज होता है, चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देते हैं हम लोग बेटा। आओ लिख लेते हैं बेटा। ठीक, किससे प्राप्त हो? रेडिलीज है, नाम बताओ बेटा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडिनम। ठीक, से प्राप्त होता है बेटा। और ये जो होता है कहाँ यूज होता है? जेल, जेली बनाने बेटा, है ना, जेलीज बनाई जाती हैं। कल्चर मीडियम में यूज होता बेटा, आइसक्रीम बनाने में यूज होता बेटा, थिकनिंग एजेंट में यूज होता है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन बेटा। चलिए अब बेटा हम लोग किस टॉपिक पर आ चुके हैं, तो हमारा और आप दोनों का ही क्या जवाब है बेटा? लिपिड पर आ चुके हैं। क्या पढ़ने चल बेटा? लिपिड। चलिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, हमारे लिए भी आपके लिए भी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए। चलो बेटा, लिपिड। मुझे मालूम बेटा तेल, घी, मक्खन, डालडा तमाम तरह से जाना जाता है, और जिसे लिपिड की बात आती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है चलो पूड़ी बनती है, चलो पकौड़ी बनती है, और कुछ लोगों के आता है कि यार बनती तो लेकिन हम खा नहीं सकते, क्यों? उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्यों? उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको स्टेरॉयड हो जाएगा, गठिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बेटा कहाँ, कैसे, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है? किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का रोग हो सब कुछ खाना चाहिए, पहली बात। किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का रोग हो सब कुछ खाना चाहिए, बस एक नियमित संयमित तरीका होता है। उम्र के साथ भोजन की मात्रा घटती है, उम्र के साथ हर चीज उसी प्रोपोर्शन में कम होती जाती है। लेकिन अगर उम्र के साथ भी हम प्रोपोर्शन को चेंज कर दें, रोटी कम पकौड़ी ज्यादा कर दें तो नुकसान होती है। खैर, इस पर हमें लेक्चर देने की प्रेजेंट टाइम में कोई जरूरत नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं लिपिड की, तो आपकी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम में आने वाला पॉइंट है वो नंबर वन बेटा कौन सा है बेटा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और इंसुलेटर ऑफ द बॉडी है, टेम्परेचर को इंसुलेट करता है। हाँ, सब जानते हो बेटा, ब्लबर क्लियर होती है, स्किन के नीचे होती है, व्हेल में, एलिफेंट में, सील में, और बेटा पेनिकुलस एडिपोसस लेयर कहते हैं फैटी लेयर को ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या कहते हैं बेटा? पेनिकुलस एडिपोसस कहते हैं अगर लेयर ह्यूमन में पाई जाती है स्किन के नीचे, थर्मो इंसुलेटर होती है।
बेटा जो पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, जो बर्फ में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें ये लेयर ज्यादा मोटी होती है कि बॉडी के अंदर बनने वाली जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर लॉस ना हो जाए, इसलिए बेटा इसे हम लोग ये नाम देते हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो ये लर्न कर लेते हो आराम से। एक क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन कम होता है, हाइड्रोजन के कंपेयर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का रेशियो होता है, कार्बोहाइड्रेट में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का रेशियो होता है, ठीक है ना? ठीक, हाइड्रोजन कंपेयर में ऑक्सीजन कम होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, जब हाइड्रोजन ज्यादा होता तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए बेटा अधिक ऑक्सीजन जरूरत पड़ती बाहर से, और जब बाहर से अधिक ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है तो दे प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। तो बेटा जो फैट होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दो गुने से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं उसका रीजन अगर बोला जाएगा तो कहना बेटा कि फैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, या ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए फैट को बर्न करने के लिए, फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए बाहर से अधिक ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। जब बाहर से अधिक ऑक्सीजन ज्यादा आता है तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बेटा जब ज्यादा रिमूव होता है तो NADH2 और FADH2 ज्यादा बनता है, जब NADH2 FADH2 ज्यादा बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ATP का प्रोडक्शन स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होता है, क्योंकि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा रिस्पिरेशन में, इसलिए अधिक एनर्जी बनती है। ओके बेटा, इसलिए मैंने यहां पर एरो करके बनाया था। अगला पॉइंट, लिपिड फैट जो होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। डेफिनेटली बेटा आपको मालूम होगा लिपिड और फैट के बारे में, नहीं मालूम है तो जरा बोर्ड पर देखिए और समझिए क्या। हाँ, एक चीज में फिर से कहूंगा सारे बच्चों से बेटा, सब लोग पढ़ रहे हो, कि पढ़ने के बाद बेटा एक कमेंट जरूर दिया करो आपकी अब तक की पढ़ाई में। मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो जा रहा हूं इस जगह पर, शायद अच्छा भी है शायद खराब भी है, या हो सकता आपको बुरा भी लगे। अगर आपको बेटा किसी भी क्लास में, प्रत्येक दिन क्लास होती है, किसी भी क्लास में अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है किसी भी दिन कि हाँ आज मैंने ये चीज एक्स्ट्रा पढ़ी, आज मैंने ये चीज अच्छी पढ़ी, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करो। उससे मेरा फायदा तो होगा ही होगा, बाकी और लोग जो देखेंगे जब उनको लगेगा यार ये कुछ ना कुछ तो बेहतर नजर आ रहा, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, गुड मॉर्निंग, ओके, हाँ सुन रहे हैं, कुछ तो ऐसा लगता होगा क्लास में कि आज सर ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, आज ने जिस फंक्शन के बारे में बताया है, आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, इन भी यार आज तो तुम्हें सोच ही नहीं था, तो 5 पॉइंट में पढ़ता था, आज 7 पॉइंट पढ़ा था बता दिया सर ने, मैं तो 2 ही पॉइंट पढ़ता था, सर ने 4 पॉइंट कर दिए। अगर आपको वीडियो में ये चीज अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, आप किसी और को मत देखिए, आप स्वयं कमेंट कीजिए, यस गुड, मैंने आज फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन को समझा और सर बहुत अच्छा लगा, आज मैंने कार्बोहाइड्रेट को समझा और इतने प्रकार के कार्बन सर बताए आपने, एक एक क्रिस्टल क्लियर कर दिया, ये कार्बोहाइड्रेट होमो पॉलीमर, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, इसकी यूनिटी ये इसकी यूनिटी, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सर पढ़ा, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा था लगभग। बेटा आप एक बार डेफिनेटली आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपने कुछ समझ करके ज्वाइन किया होगा कि क्लास अच्छी है, मेटेरियल अच्छा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो कुछ समझ कर ज्वाइन किया होगा, लेकिन अगर ये आप लिखते रहोगे तो शायद बेटा मेरे लिए तो अच्छा होगा ही होगा और लोगों के लिए भी
अच्छा संदेश जाएगा कि कोई क्लास चलती है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, जिसको इतने बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं बाहर से लाए हुए नहीं हैं, परचेस किए हुए बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं जो सर की क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं। ठीक बेटा, चलिए। तो आपके बोर्ड पर क्या लिखा हुआ बेटा? लिपिड फैट लिखा हुआ है। फैट क्या होते हैं? तो मैंने कहा लिपिड बेटा यहाँ पर कितने प्रकार के दिख रहे हैं आपको? तीन। एक लिपिड कैसा नजर आ रहा है? ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, तीन कार्बन तो प्रोपेन है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। करेक्ट बेटा, ये सिंपल लिपिड है, यह मैं लिखूंगा, यह सिंपल लिपिड है, यह सिंपल लिपिड होता है, इसे सिंपल लिपिड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया फैटी एसिड्स। फैटी एसिड लिखा चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक सी ओ ओ एच। अब ये दो तरह की होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। यहां कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है। अगर बेटा इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दे तो यहां एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये अनसैचुरेटेड रहेगी। ऐसे आगे चलकर एक हटा दें तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो बेटा ये दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोगों का है कि फैटी एसिड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड, जो दो प्रकार के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहां शायद मैंने लिखा नहीं है, यहां आप लिख सकते हो बेटा, ठीक, कहो तो लिख दें, कहो तो रहने दें, रहने दो, इतना तो आपको पता ही है बेटा। सिंगल बॉन्ड कार्बन भी सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। और डबल बॉन्ड की बात करेंगे बेटा तो एक डबल बॉन्ड होगा तो ओलिक एसिड है, दो डबल बॉन्ड लिनोलिक एसिड है, तीन डबल बॉन्ड मिल जाएंगे तो लिनोलिनिक एसिड है, और चार डबल बॉन्ड मिल जाएंगे तो आर्किडोनिक एसिड कहलाएगा। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इतना तो आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा बेटा। तीसरा, अगर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। अब बेटा क्या होता है कि एक ग्लिसरॉल पे एक फैटी एसिड लग सकता है, अगर एक लगेगा तो इसे मोनोग्लिसराइड कहा जाएगा, दो लगेंगे तो डाइग्लिसराइड, और तीन लगेंगे तो ट्राइग्लिसराइड। जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है तो ऑयल होता है या फैट। अगर हम लोग बेटा रूम टेम्परेचर में बात करेंगे और वो लिक्विड रहेगा तो उसे आयल कहेंगे, और रूम टेम्परेचर पर अगर वो बेटा सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा, उसको फैट कहेंगे, घी कहेंगे, तेल और घी, तेल और घी, ये कहलाता है ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड बेटा कितने प्रकार के होते हैं? अब आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। सिंपल लिपिड, सही मायने में सिंपल फैट या सिंपल लिपिड या सिंपल फैट कहते हैं बेटा, ठीक। ये जो सिंपल होता है, सिंपल लिपिड या फैट या ऑयल कहते हैं बेटा, ये ट्राइग्लिसराइड होता है, और इसमें हमें दिख रहा है कि ये ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरॉल, तीन फैटी एसिड्स हैं, तो इसे सिंपल कहलाता है। लेकिन अगर बेटा एक ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड है, एक फास्फोरिक एसिड लग जाता है तो इसे कंजुगेटेड कहेंगे। अगर बेटा इस ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड है, एक फास्फोरिक एसिड, अदर देन लिपिड, लिपिड के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ेगा तब कंजुगेटेड। कंजुगेटेड लिपिड का मतलब लिपिड प्लस एनी अदर, अदर देन लिपिड। फास्फोलिपिड में फास्फोरिक एसिड है, ग्लाइकोलिपिड में लिपिड साथ कार्बोहाइड्रेट है,
लिपोप्रोटीन में लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा। तो ये बेटा कैसे हैं, फास्फोलिपिडीज है कंजुगेटेड लिपिड, ग्लाइकोलिपिडीज है कंजुगेटेड लिपिड, लिपोप्रोटीनिज है कंजुगेटेड लिपिड कहते हैं, डेराइव्ड इस फैट के या इस फैट के हाइड्रोलिसिस से कोई चीज बने, मतलब हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन से कोई नया कंपाउंड बन जाए वो डेराइव्ड कहलाता है। इसमें विटामिन्स भी आते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी आते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं बहुत से, तो उसे डेराइव्ड कहते हैं। तो डेराइव्ड में क्या क्या शब्द लिखोगे बेटा, आप यहां नोट कर लेना, जब बेटा लिपिड के हाइड्रोलिसिस से कोई नया कंपाउंड बने और वो कंपाउंड हमारी सेल्स के लिए यूजफुल हो या वेस्ट हो, सेल के लिए यूजफुल या वेस्ट हो वो डेराइव्ड कहलाते हैं। उसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, उसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, वो बेटा डेराइव्ड फैट होते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, कुछ नहीं बताया कुछ मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आया, कार्बोहाइड्रेट फैट के बाद अगला नंबर किसका होता है बेटा, प्रोटीन्स का। आपको पता है प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ पर होती है बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री बेटा कहाँ पर होती है, राइबोसोम को बेटा हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या मतलब है बेटा प्रोटीन। पहला चेन ऑफ अमीनो एसिड, अगर अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी बेटा मोतियों की तरह तब तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं और पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड्स, अनदर नेम ऑफ एमिनो एसिड इज पेप्टाइड। एमिनो एसिड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मीथेन, ये बेटा मीथेन है, मीथेन का मतलब हो गया CH4, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बना दिया। इसमें चार हाइड्रोजन आपको मालूम है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्लेस हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन एमिनो ग्रुप से रिप्लेस्ड हुआ है, इसलिए एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड इज फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन। एक एच हमेशा पाया जाता है और ये दूसरा एच बेटा वेरिएबल होता है, और इसके वेरिएबल से 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। इस आर के वेरिएशन के कारण 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, मान लिया बेटा एमिनो कार्बोक्सिलिक एच, ये एच रहा तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एमिनो कार्बोक्सिलिक ये एच रहा CH3 एलेनिन एमिनो एसिड, उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, सी रहा एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एच CH2OH दिस इज कॉल्ड बोलो सेरीन, सेरीन, सेरीन। तब इसे किस नाम से कहते हैं प्रोटीन को बेटा, किस नाम से कहते हैं, तब आपका इस टाइम आ जाता है डीजे मुल्डर, ठीक, ताजुद्दीन मुल्डर लिख देते हैं, टर्म कॉइंड बाई डीजे मुल्डर, टर्म किसने दी है, डीजे मुल्डर ने दी है, ठीक है बेटा। तो ताजुद्दीन ये क्वेश्चन हो जाता है, अभी पेप्टाइड बॉन्ड भानु मैंने नहीं बताया है, अभी हम लोग एमिनो एसिड पर चर्चा करें बेटा, ये और ये ऐसे ही 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जिनको शायद मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपल है बना दिया मैंने तीन को। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं आपको एमिनो एसिड का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाँ क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नो। चलिए आगे बताता हूं, एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक, ये शब्द बोला जाता ना बेटा, एमिनो एसिड एम्फोटेरिक होती है, क्यों बेटा, इसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है और एमिनो ग्रुप भी होता है,
एमिनो एसिड को पेप्टाइड कहते हैं, पेप्टाइड, ठीक। क्या कहते हैं बेटा? एक एमिनो एसिड, इसमें क्या बेटा, एक एमिनो एसिड। डाइपेप्टाइड कहते हैं, दो एमिनो एसिड एंड एक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राइपेप्टाइड बेटा, तीन एमिनो एसिड एंड दो पेप्टाइड बॉन्ड। मुझे उम्मीद है ये बात बेटा समझ में आई होगी। अच्छा, बर्जीलियस, शायद बेटा, चलो अगर ऐसा लगता है आपको बर्जीलियस तो मैं देखूंगा, लेकिन मुझे तो मुल्डर याद बेटा, डीजे मुल्डर, सुधा चौरसिया, नमस्ते। ठीक, तजाउद्दीन देखेंगे, अगर बर्जीलियस है तो बर्जीलियस ठीक करेंगे, ठीक है। अवधेश, क्लियर बेटा? अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान देंगे हम। मुझे जो याद आ रहा है वो मुल्डर है, अगर बर्जीलियस होगा तो उसे देख लेंगे बेटा, ठीक है। आगे बताओ, तो ट्राइपेप्टाइड अगर, क्या बेटा यहां पर लोग कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड? निश्चित से पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड क्या हो बेटा, बोलो क्या लिख दोगे बेटा, बोलो। मेनी एमिनो एसिड एंड, बोलो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बताओ कितने होंगे? एक कम, यस। जितनी एमिनो एसिड होंगी एक कम, करेक्ट, जितनी होंगी उससे एक कम, ये बन जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है बेटा? एक डिफरेंस, प्रोटीन कई बार एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है ना? और इन्हीं को कह देते हैं हम लोग नंबर ऑफ, ठीक। तो पॉलीपेप्टाइड्स एंड इक्विवेलेंट हम लोग प्रोटीन्स कह देते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें हम किस चीज की चर्चा करें? कुछ एसिडिक एमिनो एसिड, कुछ बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब बेटा आ सकते हैं। कुछ सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड, फर्स्ट एमिनो एसिड आइसोलेटेड, ये कुछ टर्म्स हैं 10-12 जिनका हम लोग सामान्य तौर पर टीजीटी में क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे बेटा, करेक्ट है? केसी दोनों हैं, बर्जीलियस भी हैं, मुल्डर भी हैं, तो केसरी ये कैसे हो सकता है? चलो देखेंगे, अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा बेटा, केसरी और तजाउद्दीन दोनों से कह रहे हैं, मैं भी कंफर्म करूंगा। मुझे जो ये समझ में आ रहा था बेटा उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ध्यान रहेगा बेटा इसको। तो मैं यहां पर एमिनो एसिड के विषय में जिक्र करूंगा कि कौन सी एमिनो एसिड कैसी होती है, करेक्ट है? तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाना चाहूंगा, अगले पेज पर हम लोग इसका जिक्र करने वाले हैं, है ना, कि एमिनो एसिड के प्रकार कैसे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड हम लोग कैसे बताएं। और एक बहुत और सोर्स ऑफ एमिनो एसिड भी बेटा हम लोगों की होती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स, ठीक है ना। एसिडिक, बेसिक, फर्स्ट, लास्ट, है ना, इनकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बेटा हम लोग सोर्स ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड की भी बात करेंगे, उसमें भी कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं। ओके, डन बेटा, आइए शुरू करते हैं, किन की बात करते हैं।
चलिए, मैंने भाई इतनी बात कही बेटा। पहला क्वेश्चन, ग्लाइसिन के बारे में कोई दो पॉइंट लिखो बेटा। पहला, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। फार्मूला पीछे बना ही था, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ट्रिप्टोफैन की बात करो बेटा, पता दो बेटा। इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो सब गड़बड़ हो जाना है, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड और दूसरी कैसी कह दी बेटा, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड, ठीक। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एमिनो एसिड टू बी आइसोलेटेड, ठीक। लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट, हाँ, हीम बनाने में हेल्प करती है, करेक्ट है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीम, ये भी कहते हैं, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ग्लाइसिन लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होती हैं अगर हम कहें तो, लोवेस्ट मॉलिकुलर वेट कह सकते हैं, हीम बनाने में हेल्प करती है, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी आपका सही आंसर है, लिख सकते हैं बेटा, ठीक। हीम ऑफ हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है, न्यूट्रल है, एसिमेट्रिक नहीं होती है, अकेली एमिनो एसिड जो एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल एमिनो एसिड अकेली है जो एसिमेट्रिकल एमिनो एसिड्स है, ये भी पॉइंट बोलते हैं। रमेश गुप्ता की बुक में दोनों लिखा है, खोज लिया भानु प्रताप ने, देखो दोनों का नाम लिखा है रमेश गुप्ता की बुक में, है ना। लॉन्गेस्ट चैन अमीनो एसिड, हम लोग बेटा एक काम करते हैं कि डिस्कशन कर लें, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, तीन क्वेश्चन बहुत सिंपल से कहेंगे, एक कह दिया जाए बेटा, एसिडिक एमिनो एसिड क्या होती है, बेसिक एमिनो एसिड क्या होती है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या होती है ना। देखो बेटा, जब एमिनो एसिड में एक एमिनो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो वो न्यूट्रल एमिनो एसिड है, जब एमिनो एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएं
तो एसिडिक हो जाएगी। जब एमिनो एसिड में दो एमिनो ग्रुप हो जाएं, एक कार्बोक्सिलिक हो, तो वो बेसिक हो जाएगी। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है और आपने बता दिया। तो एक एसिडिक एमिनो एसिड हो गई, एक बेटा बेसिक एमिनो एसिड हो गई, एक न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गई। कौन से एमिनो एसिड एसिडिक होते हैं बता दो। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड होती है, ठीक, एस्पाराजीन होती है, ग्लूटामिक एसिड होती है, ग्लूटामिन एमिन ग्रुप आता है बेटा, एसिडिक एमिनो एसिड होती है, बेसिक एमिनो एसिड का नाम होगा तो आर्जिनिन और लाइसिन होती है बेटा। ये आर्जिनिन और लाइसिन होता है। आर्जिनिन और लाइसिन बेटा हिस्टोन प्रोटीन में ये रिच होती हैं, ठीक। न्यूट्रल एमिनो एसिड में हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन तमाम से हो जाएंगी। ग्लाइसिन, एलिनिन, ल्यूसिन, वैलिन, ये सारे बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स में आ जाएंगे हम सब की। लड़ कर गए। हाँ, हिस्टिडिन की जब हम वो बात करते हैं तो हिस्टिडिन बेटा दो जगहों पर आ जाती है हमारी। हिस्टिडिन भी हम सब बेसिक एमिनो एसिड में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक भी होती है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में भी आ जाती है हिस्टिडिन, यहाँ भी मेंशन कर लेते हैं। इन एमिनो एसिड के नाम होंगे। ल्यूसिन के साथ साथ बेटा आइसोल्यूसिन भी आ जाता है, ठीक। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड। ऐसे बेटा आता सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड बता दो बेटा, बोलो। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, दो नाम लेते हो बेटा, मिथियोनिन और सिस्टीन कहते हैं। सल्फर कंटेनिंग एसिड को मिथियोनिन और सिस्टीन कह देते हैं, दो नाम इसमें आ जाते हैं। एल्कोहलिक एमिनो एसिड की बात आ जाती है, तो एल्कोहलिक एमिनो एसिड में बेटा दो लग जाते हैं, CH2S सेरीन वाली और क्या बोलते हैं थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन एल्कोहलिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है ना। बेसिक हो गई, एसिडिक, एल्कोहलिक, ये पांच कैटेगरीज हो गई। एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक है बेटा, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की कैटेगरी आ जाएगी बेटा, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का नाम आ जाएगा तो ट्रिप्टोफैंस होंगी, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन होंगी, हिस्टिडिन, फिनाइल एलिनिन, ठीक। थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, जो कॉम्प्लेक्स होती है वो एरोमेटिक होंगी, ठीक। और हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड लास्ट बता देते हैं ग्रुप में, हेट्रोसाइक्लिक में दो एमिनो एसिड लगाते हैं हम लोग, प्रोलिन, हिस्टिडिन और ट्रिप्टोफैन। ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो याद करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इनको आप
लग्न करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा अब आपका बेटा ये रहता है कि एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन द बॉडी, एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन द बॉडी, आप यूँ कह सकते हो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह सकते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेटा। ठीक, तब इसमें किसकी बात करते बेटा, एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक, और दूसरी बेटा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, दो प्रकार की हो गई। अब एसेंशियल एमिनो एसिड वैसे तो 10 10 बोली जाती है, कितनी बोलते बेटा, 10 एमिनो एसिड एसेंशियल और 10 एमिनो एसिड कैसी बेटा, नॉन एसेंशियल, दो प्रकार की हो गई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। कैसे, ए वी हिल MPTT, ये फार्मूला है ए वी हिल MPTT। ठीक, तो हम सब इसको लिख लेते हैं एसेंशियल के लिए, है ना। क्या बोलेंगे बेटा, फार्मूला बोलेंगे हम ए वी हिल MPTT। 10 किस्में हैं बेटा एनिमल्स, ये 10 नजर आ रही हैं जो किस कैसी मेटा एसेंशियल कहला रही हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एडल्ट में बेटा विल MPTT बोला जाता है। ठीक, बोलो वी आई एल एन MPTT, ये ह्यूमन एडल्ट में, एडल्ट ह्यूमन में विल MPTT, यानी कि दो एमिनो एसिड घट गई। ठीक नित्यानंद, दो घट गए बेटा विल MPTT। ठीक, अब अगर चिल्ड्रन कहेंगे विल टी, वी आई एल एन MPTT, ये बेटा चिल्ड्रेन। अब सवाल उठता है कि इनके नाम बताओ, ए से क्या हो जाएगा, क्या लगाना है बेटा, बोलो आर्जिनिन, लगाते चले जाओ आर्जिनिन। एच से बोलो, सॉरी ए वी, वी से बोलो बेटा, हाइलाइटर नहीं भाई, पेन, वी से बैठो बेटा वैलिन, एच से बोलो बेटा हिस्टी डीन, आई से बेटा बोलो आइसो ल्यूसीन, एल से बोलो ल्यूसीन, फिर एल से लाइसीन, एम से मिथ्योनिन, पी से फिनाइल एलिनिन, टी से थ्रियोनिन। ठीक, टी से बेटा थ्रियोनिन और फिर लास्ट में ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन,
ये बन जाती हैं, करेक्ट है ना। इसके अलावा जो भी बनेंगी वो कहलाएंगी बेटा कौन सी, नॉन एसेंशियल। एक सवाल ये आता है, एसेंशियल एमिनोसिड को किस नाम से जानते हैं? दूसरा बेटा, इसको इनडिस्पेंसेबल एमिनोसिड कहते हैं, इनको इनडिस्पेंसेबल। ठीक, और इन्हें बेटा डिस्पेंसेबल। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपका आता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लेंगे, एमिनो एसिड का पार्ट ये भी खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा प्रोटीन्स का और बनेगा, हम उसको और कंटिन्यू करते हैं, और वो हो जाएगा बेटा हमारा काइंड्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरली प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, ठीक, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। प्रोटीन कितने प्रकार की होती, तब बेटा हम सब इसका अगला क्वेश्चन बनेगा और हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेटा। ठीक, इस टाइप्स ऑफ प्रोटीन में हम लोग बेटा पहली प्रोटीन लिखने जा रहे हैं, इसे क्या नाम देंगे बेटा, प्राइमरी प्रोटीन। क्या होती प्राइमरी प्रोटीन बेटा? राइबोसोम पर जो प्रोटीन बनती है, चेन ऑफ एमिनो एसिड, सीधी स्ट्रेट लाइन, जो कहीं मुड़ी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं। ये नॉन फंक्शनल रहती है, इसका कोई काम नहीं होता है। एक कंप्लीट प्रोटीन होती है जो एक जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनती है, जीन के ट्रांसलेशन से बनती है, एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन से बनती है, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, नॉन फंक्शनल होती है। ठीक, हम लोग कैसे कहेंगे, आओ इसकी बात करें बेटा। नॉन फंक्शनल प्रोटीन बेटा ये है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन की तरह प्रोटीन है बेटा, ये ऐसी प्रोटीन है बेटा, ये बेटा राइट एंड है, ये बेटा लेफ्ट एंड है, यहाँ बेटा फर्स्ट एमिनो एसिड है, यहाँ बेटा लास्ट एमिनो एसिड है, ये बेटा एन टर्मिनल है, ये बेटा सी टर्मिनल है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल का भी जरा मतलब देख लो बेटा, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। ये सी है बेटा, यहां पर NH2 है बेटा, यहां पर H है, यहां पर R1 है, यहां पर जो सी है उसका जो O और OH है, ये फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये दूसरी एमिनो एसिड है, सी है, एन एच है, R2 है, सी है, ओ है, ओ एच। ठीक, यहां पर बेटा ये पानी निकलेगा, -H2O होगा, यहीं पर बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर बोलो सी ओ ये रहेगा,
ठीक, आप इसे कहिए, ये सी होगा, ये ओ होगा, ये बॉन्ड होगा, इसका एन होगा बेटा ये, और ये एच होगा, ये आगे का सी होगा, ये यहाँ का सी होगा। तो दिस बॉन्ड इज बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, जो सी और एन के बीच है, ये एन यहाँ हो जाएगा, ये सी यहाँ हो जाएगा, इसका ओ होगा, इसका एच होगा, एन की 3 वैलेंस सी हो गई, सी की 4 हो गई, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा पहली अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक, दूसरी के अमीनो से बनता है, पहली की कार्बोक्सिलिक दूसरी के अमीनो से बनता है, पहली अमीनो एसिड का एन लेफ्ट साइड में है, आखिरी अमीनो एसिड का सी राइट साइड में होगा, तो हम लोग कहेंगे बेटा लास्ट अमीनो एसिड राइट एंड पर है, सी टर्मिनल कहलाती है, फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट एंड पर है, एन टर्मिनल कहलाती है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे आराम से, यहाँ पर केवल और केवल कौन सी होती बेटा पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो प्राइमरी प्रोटीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ कहेंगे बोलो एक चीज़ कह सकते हैं, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। इसमें बेटा केवल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और सबसे पहले बेटा जो प्रोटीन देखी गई थी तजाउद्दीन ने लिखा है इंसुलिन के लिए, तो इंसुलिन हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन 2 चैन होती हैं, एक अल्फा चैन होती है, एक बीटा, या ए और बी कह देते हैं हम लोग, 2 चैन होती हैं, हम लोग इंसुलिन का एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाई या फ्रॉम इंसुलिन। ठीक, क्वेश्चन कह सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहाँ से पता किया गया था? इंसुलिन से पता लगा था। हम लोग ये कह सकते हैं ये प्रोटीन कैसी होती बेटा, पूरी तरह से नॉन फंक्शनल होती है, पूरी तरह से नॉन फंक्शनल होती है। ओके बेटा, आओ अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी प्रोटीन की। नंबर 2, कौन सी प्रोटीन दिख रही है सेकेंडरी प्रोटीन, कैसी नजर आ रही बेटा, मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखो। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक, ये देखो, तो सेकेंडरी प्रोटीन बेटा हमने 3 तरह की बताई है, कौन कौन सी बताया डैडी बेटा? इसको हम लोग अल्फा प्रोटीन कह देते हैं, इसको हम लोग बीटा प्लेटेड प्रोटीन कह देते हैं, इसको बेटा हम लोग कोलेजन प्रोटीन कह देते हैं। तीन प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं बेटा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग जाते हैं, इनमें बेटा अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लिखूँगा बेटा, यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे बेटा,
पेप्टाइड बॉन्ड प्लस बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। फंक्शनल नहीं कहते बेटा इसे। कौन सी प्रोटीन कहते हैं मेरे बच्चे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक। बीटा प्लेटेड होती है। हम सब कैसे कह सकते हैं? तो एग्जांपल बताओ बेटा, केराटिन फेयर्स लिख दो बेटा, ये केराटिन फेयर्स हैं। अगर हम अल्फा प्रोटीन्स की बात करें, बीटा में फाइब्रिन प्रोटीन ऑफ नेचुरल सिल्क है, फाइब्रिन प्रोटीन ऑफ नेचुरल सिल्क है, ये तो कोलेजन बोली जा रही है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम इज कोलेजन बेटा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक। ये प्रोटीन बेटा इंटरसेलुलर प्रोटीन होती है, इंटरसेलुलर प्रोटीन होती है। ये बेटा सेल्स, दो सेल्स के बीच में पाई जाने वाली प्रोटीन्स को नाम देते हो, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। कोलेजन प्रोटीन्स होती हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। लेकिन बेटा नंबर थर्ड पर आते आते हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं उसको ज़रा देखिए। नंबर तीन बेटा टर्शरी प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को सही माने में बेटा फंक्शनल प्रोटीन होती है, ये बेटा ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं बेटा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं और मैं डिफरेंट प्रकार के बॉन्ड्स देखें तो देखो बेटा थ्री डायमेंशनल होती है, ठीक। कैसी होती है? थ्री डायमेंशनल होती है बेटा, थ्री डी प्रोटीन होती है, फंक्शनल होती है, एंजाइम्स होते हैं, थ्री डायमेंशन। ध्यान देखिए बेटा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड हैं, यानी कि जो भी बॉन्ड्स आपको नजर आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड हैं, वंडर वाल फोर्सेस हैं बेटा, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड हैं, वंडर वाल फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वंडर वाल फोर्स है, सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये टर्शरी एंजाइम्स होते हैं, इनमें यहीं पर बेटा एक्टिव साइट होती है और यहीं कहीं पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है अपने आप को चेंज करने के लिए, आगे चलकर एंजाइम्स में बनाएंगे हम लोग।
फिर बेटा मैं अगले पेज पर ही जाना पसंद करूंगा। फिर बेटा क्वार्टर नरी प्रोटीन बताऊंगा बेटा। अब क्वार्टर मतलब चार हो गया बेटा, क्या लिखोगे? एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है बेटा, ये क्वार्टरनरी प्रोटीन्स हैं। ठीक, दो अल्फा, दो बीटा चेन होती हैं। ठीक, दोनों टर्सरी प्रोटीन्स हैं। ठीक, इसमें 141, इसमें 146 अमीनो एसिड्स होती हैं बेटा। अब इनका देखो, ये हो गई एक, ठीक, ये हो गई दूसरी, हो गई ना, ये हो गई तीसरी बेटा, और ये हो गई चौथी। तो चारों आपस में जुड़ी रहती हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। बट हम चार को मान करके चलें तो हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन बेटा? स्टेबिलिटी देते हैं, तमाम शरीर की बातें हैं। चार प्रकार की मतलब जो 3D प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, ये कैसी प्रोटीन बेटा? 3D प्रोटीन्स हैं सब, सबके सब 3D प्रोटीन्स हैं, चार हो जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल आ जाता है। हीमोग्लोबिन अपने आप में बेटा क्या कैसी प्रोटीन होती है? रिस्पायरेटरी प्रोटीन्स होती हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ओजोन की प्रेजेंस में बेटा या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती है। वो एक अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि हमने कितने प्रकार की प्रोटीन्स यहाँ पर देखी। चार प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स, टर्सरी प्रोटीन्स और क्वार्टरनरी। प्राइमरी प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चरल है, टर्सरी प्रोटीन फंक्शनल है। सारे एंजाइम्स टर्सरी प्रोटीन से ही होते हैं बेटा, राइबोजाइम को छोड़ करके। और क्वार्टरनरी प्रोटीन में हीमोग्लोबिन आ जाता है। बहुत आसानी से हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो ये था आज का लगभग प्रोटीन्स के बारे में। कुछ छूट गया हो तो आप लोग लिख दिया करिए बेटा, उसको देख लेंगे, उसको बता देंगे। तो क्वेश्चन की उम्मीद पूरी है कि हम सब पूरा कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है बायोलॉजी का सब्जेक्ट। बायो मालिक्यूल का तो बिल्कुल भी अंत नहीं है। आप कितने प्रकार के मालिक्यूल, कितनी संख्या बना लोगे, कितनी ज़्यादा डिस्कस कर लोगे, है ना? उसके नाम्स पर नाम ही बहुत हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा। बस सेल में पाए जाने जितने भी मालिक्यूल्स हैं, कोई बेटा कार्बोहाइड्रेट है, कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है, कोई न्यूक्लिक एसिड है, और सब इसी से मिलजुल करके बने हुए हैं। जैसे कॉन्जुगेटेड लिपिड बताया, वैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन बोलते हैं। मेरा मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, मेरा क्या कहते हैं बेटा पता है? हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब बताओ बेटा, कॉन्जुगेटेड मतलब क्या हो गया? साफ दिख रहा है दो चीजें बेटा, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जब हम हीम लिखते हैं तब एक हो जाता है, प्लस ग्लोबिन लिखते हैं तो दूसरा हो जाता है। जब इसमें ग्लोबिन का असर आता है तब ये प्रोटीन हो जाता है बेटा। जब हीम आता है दो चीज़ें हो जाती हैं, इसमें कंपाउंड होता है पोरफायरिन प्लस बेटा आयरन हो जाता है इसमें, जो फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सवाल ये उठता है, इसको मैंने छोटे से अब ये कॉन्जुगेट बेटा बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बायोलॉजी में कोई लिमिट थोड़ी है, जिस शब्द को उठा लो उसमें से दो शब्द लिख दो, जो भी शब्द उठा लो उसमें चार क्वेश्चन बन जाएंगे।
हमारे लेवल पर कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं कहता हूँ हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हमने लिपिड कॉन्जुगेटेड पढ़ा, हमने प्रोटीन कॉन्जुगेटेड पढ़ा, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं, कोई लिमिट कहीं पर नहीं है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, क्वार्टरनरी प्रोटीन है, रिस्पायरेटरी प्रोटीन तो मैंने अभी बताया है, हीमोग्लोबिन कैसे प्रोटीन मिटाएंगे, ये रिस्पायरेटरी प्रोटीन है, रिस्पायरेटरी प्रोटीन इसको कहते हो, तो इसको लिखने में डर क्या है बेटा। ये ऑक्सीजन से को भी बाइंड करता है, CO2 भी बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 बाइंड करता है तो क्या कहलाता है बेटा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के बाइंड करने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और CO2 के बाइंड करने पर बेटा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक, तो बेटा इस प्रकार से हम सब चीज़ों को देख रहे हैं, बढ़िया से करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, तो आज बेटा यहाँ पर हम लोग रोक रहे हैं, और आज बेटा वेडनेसडे है, हमारी क्लास इस सैटरडे को नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, सैटरडे और संडे, सैटरडे को आज मैंने बता दिया, सैटरडे की क्लास नहीं होगी, बाकी लगेंगी, कल भी लगेगी, परसों भी लगेगी, कोई विशेष अड़चन नहीं आई तो, वैसे सैटरडे को मैंने बता दिया, सैटरडे को ऑफ रहेगा। ओके बेटा, तो ये मेरा कंप्लीट रहा, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, लिपिड बताया, फैट बताया, अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, वैसे तो न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक, लेकिन बेटा न्यूक्लिक एसिड को मैं सोच रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ूंगा, यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा न्यूक्लिक एसिड पर्टिकुलर DNA और RNA। तो जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स का पढ़ाने शुरू करेंगे उस समय बेटा हम वहाँ पर उसको बताएंगे, यहाँ पर उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स इसके बाद बनते हैं, तो देखना कल एंजाइम शुरू करेंगे, बहुत अच्छा सा पार्ट है बेटा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।